हेलो फ्रेंड्स आई एम रेमित गुप्ता आई होप यू ऑल आर वेल तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉप टेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सी मैनेजमेंट में एक एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दोज स्टूडेंट्स वो टेक अ मार्केटिंग एज स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अब मैनेजमेंट में क्या रहा हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया कुछ आइटम्स में कुछ कंडीशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया जैसे कुछ देयर टेक्नोलॉजी uh, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन देयर बिजनेस के बारे में क्लियर अब बिजनेस में जो रहा उसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स को तीन तरह से डिवाइड करा सबसे पहला हमारे ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर एंड लास्ट एग्रिकल्चर

ठीक है बिटवीन द मैन्युफेक्चर एंड द दस्टम मैनुफेक्चर और कस्टमर के बीच में ये एक तरह का मिडलमैन का काम कर रहा है उस हमारे एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्लियर नेक्स्ट हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर दर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग हमेशा से कहा मैंने द ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर द प्रोडक्ट क्या करते हैं दे द प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट वर्ट दे डिड दे एनालाइज द मार्केट दट व्हाट इज द डिमांड व्हाट इज द डिमांड इन द मार्केट वट द कस्टमर वॉन्ट व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाह रहा है किस तरह का चाह रहा है किस प्राइस पे चाह रहा है किस क्वालिटी का चाह रहा है क्यों क्योंकि ये मैनुफैक्चर कर रहे हैं ये बना रहे हैं इनके हाथ में है कि किसी भी रिसोर्स को किसी भी तरह से ढाल सकते हैं उसको अच्छी क्वालिटी में भी बना सकते हैं उसको थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी में बना सकते हैं सुपीरियर में भी कर सकते हैं जिस तरह से चाहिए उस तरह से ढाल सकते हैं सो सो फर्स्टली व्हाट द डीट दे आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर एंड देन एक्सप्लोर द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से फिर टेक्नोलॉजी को रिसोर्स को एक्सप्लोर इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को अलोकेट करना स्टार्ट करते हैं टू बी यूज टू मैनुफैक्चर द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड जिससे कि वे क्या कर सके अपने कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके

इसके ऊपर डिपेंड है ये इसके ऊपर डिपेंड है तो इसलिए एक चेन बनी गई इसीलिए इनको बेस्ड ऑन आर बेस्ड ऑन द बिजनेस में इन तीनों को रखा गया आई होप अब आपको इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आर बेस्ड ऑन द बिजनेस में इन तीनों को क्यों रखा गया इसलिए रखा गया और ये इनका मीनिंग है नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे विच आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी विच आर बेस्ड ऑन द जेंडर सो बी कंटिन्यूड विद द वीडियोस वीडियोस से ट्यून रहें वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहें आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें तब तक, तक के लिए